देखिए मेरा मम्मी कैसे बैठ के मछलियों को हल्दी और नमक मिला रहा है। वो हंस रहा है, उनको थोड़ा थोड़ा हिंदी समझ में आ रहा है ना, इसलिए वो हंस रहा है। नहीं क्या करेंगे, नहीं क्या करेंगे। और तुम कुछ बोलो। नहीं बोलेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 8:30। बस मैं सुबह 7 बजे उठा क्योंकि मम्मी ने मुझे बुला लिया था 7 बजे तक। तो उसके बाद उठ के मैंने गेलू को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद अभी मैंने एक प्लान किया है और जाएंगे खेत में। खेत में बहुत सारा मछली मैंने एक जगह पे देख के आया हूँ और जाएंगे मछली पकड़ने और सीढ़ी वीढ़ी लेके जाएंगे और जाल वाल लेके जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुका है, सुबह से बारिश शुरू हो गई है और जो बारिश शुरू हो गई है शायद हम जो मछली पकड़ने का जहाँ पर मछली पकड़ेंगे वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाएंगे। शायद चलते हैं खेत में और वहाँ से आने के बाद देखते हैं मछली अगर मिलता है तो आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए कितना मछली मिला है, चलिए अब चलते हैं। मैं थोड़ा कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेता हूँ, बस थोड़ा छतरी वतरी लेके चलते हैं खेत में मछली पकड़ने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी मैं निकलता हूँ अभी। फिलहाल हम खेत से मछली पकड़ के आ चुके हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को कितना मछली हमने पकड़ के लाई है। और देखिए एकदम भीग के आए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और फिर भी थोड़ा बहुत मछली पकड़ के लाए हैं। दिखाता हूँ आप लोगों को कितना मछली हमने पकड़ के लाया है, चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए कितना मछली, देखिए कितना, पता नहीं मिल रहा होगा लेकिन गांव में मिलता है। वो खेत से निकल गए हैं, पकड़ कर लाए हैं खेत से। मम्मी जी ने बैठ के बना रहे हैं मछली। ये सारे जिंदा मछली है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए एकदम जिंदा मछली, ये देखिए सास बहू बैठ के सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे मछलियों को छाट रहे हैं और सब अलग अलग कर रहे हैं। बनाएंगे वो दो चार करी बनेगा, एक बनेगा भजा, एक बनेगा खट्टा और एक करी बनेगा। और इसलिए वो दोनों बैठ के कैसे छाट रहे हैं। ये देखिए कितना मछली,
बहुत सारा मछली, ये छोटी मछली, ये उससे थोड़ा बड़ा, ये वाला थोड़ा बड़ा, ये जो है ये वाला थोड़ा बड़ा, वो सब अलग अलग कर वो खाएंगे। और ये जो छोटा वाला मछली इसे बनाएंगे खट्टा, और ये सब करी बनेगा, और ये जो ये वाला जो मछली है ये भजा बनेगा, तो इसलिए सबको अलग अलग कर रहे हैं। ये हल्दी और नमक मिला रहे हैं मछली में। इसमें और थोड़ा हल्दी दीजिए, आधी हल्दी दो। देखिए मम्मी कैसे बैठ के, देखिए मेरा मम्मी कैसे बैठ के मछलियों को हल्दी और नमक मिला रहा है। वो हंस रहा है, उनको थोड़ा थोड़ा हिंदी समझ में आ रहा है ना, इसलिए वो हंस रहा है। नहीं, क्या करेंगे, क्या करेंगे। और तुम कुछ बोलो। नहीं बोलेंगे। बस अभी बनेगा मछली, देखिए कितना मछली, ये गांव का मछली, ये हमारा गांव का मछली, ये रहा हमारा। बस देखिए अभी कैसा बना रहा है, ये हमारा गांव का लोग ऐसे ही बनाते हैं, और हमारा हमारा घर में तो यही बनता है, और ये देसी खाना, इसे हम लोग खाएंगे पखाल में। और मुझे तो बहुत पसंद है कि वो पखाल के साथ ये मछली भजा और प्याज और हरी मिर्ची एकदम मस्त लगती है। मछली भजा बन के रेडी है ना। अभी इसे निकाला जाएगा, ये वाला जो मछली है ये बनेगा भजा, करी भी बनेगा। ये जो मछली है ये तो अभी अभी जस्ट थोड़ा थोड़ा मिले हैं, और 2 महीने के बाद जब थोड़ा एकदम बड़ा बाढ़ आ जाएगा हमारा इस खेत के साइड, तो उसके बाद में इतना मछली मिलेंगे तो हर घर में मछली छोटा से लेकर बड़ा बड़ा मछली था, एकदम बहुत ज़्यादा मछली। अभी बनेगा मछली खटा, ये वाला मछली, ये 2 मछली तो हो चुकी है, ये फ्राई, वो करी बनेगा। ये वाला जो मछली है ये खटा बनेगा। बहुत बड़े बने ये भाभी ने इमली का पानी दे दिया, देखिए कितना सुंदर कलर, बड़े देखिए इमली का पानी दे दिया,
हमारा मछली कटा बन के रेडी हो चुकी है। बस अब चलते हैं घर में और खाएंगे दोपहर के लंच के साथ। चलिए चलते हैं अभी घर। भाभी जी फाइनली हमारा मछली का खटा भजा और करी के लिए रेडी हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं घर के अंदर, खाएंगे बैठ के सारे लोग मिलके। चलिए दोपहर के लंच में बनी है मछली करी, मछली भजा और मछली खटा। चलिए खाएंगे एकदम देसी मछली, बस एकदम खाएंगे, बढ़िया खाएंगे। बस बहुत दिन के बाद हम आज खा रहे हैं देसी मछली, एकदम छोटा छोटा मछली। चलिए चलते हैं अंदर, करते हैं लंच। फिलहाल करते हैं लंच, अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है दोपहर को। बस अब खाएंगे अभी सब लोग मिलके, और बाबू तो खा चुके हैं और अभी हम लोग खाएंगे। बस फाइनली टाइम हो रहा है रात को 10:20। बस करते हैं डिनर, डिनर में बनी है रोटी और दूध, खाते हैं और एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।